नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आजकल जिसको सुनो उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि मेरे बाल बिल्कुल झड़े जा रहे हैं, मेरे बाल पूरी तरीके से निकलते ही चले जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी हवा चली है। दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि जब बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगें तो आप क्या करें कि थोड़ी सी कटिंग कर दिया करें, इससे बाल रुक जाते हैं। जितने ही लंबे बाल होंगे ना तो उतने ही बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ी सी कटिंग आप कर देंगे तो, ये मैंने देखा है अपने बालों में, जब मेरे बाल झड़ने लगते हैं ना तो मैं कटिंग कर देती हूँ तो बाल एकदम रुक जाते हैं। और मेरे बाल इतना ज्यादा इसलिए नहीं झड़ते कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, नेचुरल चीजें। उसी में से मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ दोस्तों कि अगर वो चीजें आप लगाएंगे जैसे मैं आज बनाने जा रही हूँ दोस्तों, उससे बाल काले भी होंगे, घने भी होंगे, लंबे भी होंगे, और गारंटी है कि बाल टूटेंगे नहीं। लेकिन हफ्ते में 2 बार आपको करना पड़ेगा दोस्तों। जब भी बाल धोइए, मैं कहती हूँ कि जब भी बाल धोएं, बाल तो धोना ही है, बाल आपके गीले होंगे, ठंडी आपको लगेगी ही लगेगी, तो कुछ थोड़ी देर के लिए कुछ लगा लीजिए। तो चाहे करी पत्ता हो, चाहे मेथी हो, कलौंजी हो, कॉफी हो, चाय पत्ती हो, इन सब चीजों को ऐड, प्याज तो सबसे नंबर वन पे मैं रखती हूँ। प्याज को हमेशा मैंने बोला है कि प्याज को मैं बाल झड़ने को रोकने के लिए नंबर वन पे रखती हूँ। प्याज का फेस पैक, हेयर पैक आप अगर हफ्ते में 2 बार लगाते हैं दोस्तों, तो यकीन माने कि बाल आपके रुक जाएंगे। मेथी, सब कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों, बस आप लगाते नहीं हैं, लगाइए और फिर देखिए रिजल्ट कैसे नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो आज आपको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताने जा रही हूँ, लगा के भी दिखाऊंगी दोस्तों। उसी तरह से आप बनाइएगा और लगाइएगा, बाल भी काले होंगे। डाई से थोड़ा बचिए, जब आपकी ज्यादा एज हो जाए, बाल पूरे तरीके से सफेद हो जाए। मैं मानती हूँ कि नेचुरल चीजों से इतनी जल्दी बाल जो है काले नहीं होते, लेकिन धीमे धीमे होने लगते हैं। आंवला अगर यूज कर रहे हैं तो, और जैसे और सब चीजें हैं, लेकिन दोस्तों नेचुरल चीजों पर भरोसा रखिए, डाई ज्यादा न लगाइए। कहीं जाइए, जैसे कहीं आपको जाना वाना पड़ा तो आप लगा लीजिए, लेकिन हफ्ते में 2 बार ऐसी चीजें लगाएंगे तो बाल भी काले होने लगेंगे आपके, और बाल झड़ेंगे भी नहीं, और स्वस्थ, बहुत अच्छा पोषण आपके बालों को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और बताती हूँ कि उसको किस तरह से बनाना है, किस तरह से लगाना है। मैजिकल हेयर पैक दोस्तों, या पानी कहिए, कुछ भी कहिए। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों ये है कलौंजी, करायल जिसको बोलते हैं दोस्तों, ये बालों के लिए एक रामबाण है, अमृत है आपके बालों के लिए ये कलौंजी। मैंने हल्का सा दरदरा पीस लिया है, इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कलौंजी है, करायल जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों ये बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है, गिरते हुए बालों को ये रोकता है दोस्तों। ठीक है, और बालों में जो है ब्लैक कलर भी देता है, तो ये आप जरूर अपने बालों में लगाएं। हफ्ते में 2 बार तो आपको करना पड़ेगा, तभी एक बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। ये है दोस्तों चाय पत्ती। चाय पत्ती बालों को गिरने से रोकती है, कैफीन होता है इसमें, और आपके बाल जो है डार्क करने में इसका योगदान बहुत बड़ा है। चाय पत्ती का गिरते हुए बाल, जो आपके बाल बेजान हो गए हैं उनको रोकने के लिए, उनमें शाइन लाने के लिए एक अच्छा पोषण देता है चाय पत्ती। और ये है दोस्तों कॉफी। कॉफी आपके बालों में शाइन लाता है और एक ब्लैक कलर देता है, गाढ़ा कलर देता है, नेचुरल कलर देता है। दोस्तों डाई से दूर रहिए, ऐसी चीजें आप बनाइए और लगाइए। अब क्या करना है, इन तीनों को दोस्तों एक मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेना है। ठीक है, तो मैं तीनों को डाल दे रही हूँ, एक एक चम्मच तीनों ले लीजिए। तो जो है कलौंजी थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए, क्योंकि कलौंजी ही है जो बहुत ज्यादा फायदा करती है। ये जो है तीनों चीज ले लीजिए। अब मैं इसको पीसने जा रही हूँ, बहुत बारीक पाउडर इसका दोस्तों पीसना है। अब देखती हूँ, जो चीजें बहुत कम होती ना तो बहुत अच्छी तरीके से नहीं पीसती हैं, तो मैं देखती हूँ मैं कितना बारीक इसे पीस पाती हूँ। उसके बाद मैं दिखाती हूँ दोस्तों कि इसको इसमें क्या डाल के किस तरह से लगाना है। और दोस्तों ये है एक मैजिकल चीज जो बालों को एकदम गहरा कलर देता है, ये है दोस्तों कत्था। कत्था आपको किसी पान की दुकान पे मिल जाएगा, तो ये इस तरह का होता है, तो ज्यादा नहीं डालने, थोड़ा टाइट होता है दोस्तों। तो इसको जो है मिक्सी के जार में डाल करके जो सब चीजें पीस रही हूँ उसी के साथ मैं ये कत्था भी पीस लूंगी, इससे जो है आपके बालों का कलर जो है बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये भी मैं पीस लेती हूँ दोस्तों। ये देखिए ये पीस गया है, बहुत ही बारीक पिसा है। इसको इसी तरह से पीसिएगा, काफी बारीक, तभी दोस्तों लगाने में अच्छा लगेगा ये।
ये एकदम सोच लीजिए कि एकदम डाई की तरह है, एकदम कलर की तरह है, लेकिन नेचुरल है, नेचुरल तरीके से। दोस्तों ये काम आप और भी कर सकते हैं कि आप कोई भी जो मेहंदी लगाते हैं उसमें ये इस मतलब मेहंदी को इसमें ऐड कर सकते हैं, मेहंदी इसमें डाल लीजिए और जो है घोल लीजिए, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। नहीं तो इसको एक कलर की तरह आप लगाइए, दोस्तों इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मैं इसमें डालने जा रही हूँ नारियल तेल, दोस्तों नारियल तेल डाल लीजिए। इसको इस तरह से बना लीजिए। आप सरसों का तेल भी इसमें डाल सकते हैं, सरसों का तेल भी दोस्तों बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, इसलिए मैं आधा नारियल का तेल और आधा सरसों का तेल मिलाऊंगी। सरसों का तेल ले लीजिए, उसको भी डाल दीजिए 2 चम्मच। इसको मिला लीजिए दोस्तों। ये दोस्तों इस तरह की चीजें आप लगाएंगे तो रिजल्ट इसका अच्छा ही मिलेगा। इसमें एक चीज और डालनी है जो कि बहुत ही मैजिकल है बालों के लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चीज है दोस्तों। वो है आंवला, आंवला पाउडर है दोस्तों। आंवला पाउडर इसमें जरूर ऐड करें, उसको मैंने जो है पीसा नहीं है क्योंकि बहुत बारीक है, इसलिए मैंने पीसा नहीं है इसको। अगर आप पीसना चाहें साथ में पीस लीजिए, ये आंवला पाउडर मिला लीजिए दोस्तों। इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए। अब आप खुद ही देखिए दोस्तों कि इसमें कत्था है, इसमें कॉफी है, इसमें कलौंजी है, चाय पत्ती है और आंवला है, नारियल का तेल है, सरसों का तेल है। अच्छी तरीके से मिला लीजिए कि आंवला इसमें वो ना रहे गुठलियां। इस तरह करके दोस्तों इसको आप रख भी सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। आपको जो लगाना है वो लगा लीजिए, उसके बाद जो बचता है तो उसको रख दीजिए, फिर लगा लीजिएगा। मेहंदी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैं बताए दे रही हूँ कि आप मेहंदी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ये देखिए कितना बढ़िया बन गया, देख रहे हैं ना दोस्तों। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ।